12 ओवर में 10 से ज्यादा रन देने वाले बॉलर थे, उन्हीं से उनके बॉलिंग बॉलर ओवर चार कंप्लीट कराए गए। तो इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम मैच को शक की नजर से ना देखें। तो अगर शक की नजर से ना देखें तो फिर हम क्या करें? देखिए, ये शकों को शुभात तो होते रहेंगे जब कोई उनकी फेवरेट टीम हार जाए। जाहिर है जो साहब बात कर रहे थे वो पाकिस्तानी हैं, उनको जाहिर है कि ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान जीत जाए। ठीक, तो अब वो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है अफगानिस्तान के हारने पर, तो जाहिर है कई शकों को शुभात तो होंगे। इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया, सबको मालूम था उनको 62-63 रन से जीतना है, वो 64 रन से जीते। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन मैं कामादी की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कैसा एक तूफान उठा हुआ है कि जी शायद इसमें आईपीएल कार्ड खेला गया। यार मुझे बताओ ना कि ऐसी क्या बॉलिंग की उन्होंने कि जिसपे आप कह रहे हो कि उन्होंने छक्के मार दिए। उन्होंने नॉर्मल बॉलिंग जो होती है वही बॉलिंग हो रही थी। उन्होंने आज अश्विन को खिलाया, अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मेन बॉलरों की जगह और अश्विन है वो बहुत अच्छी बॉलिंग की। मतलब जो क्रेडिट एज ए क्रिकेटर देना चाहिए आपको देना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं शारजा से, अब्दुल कादिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल कादिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं अभी ये गुफ्तगू सुन रहा था कमर साहब की भी, ठीक है। तो कमर साहब बता रहे थे कि वो शतिया कह रहे हैं कि ये शतिया अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कह रहे हैं कि इस मैच पर डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अगर अफगानिस्तान टीम का सिर्फ बॉलिंग स्कोर कार्ड उठा के देखें कि मोहम्मद नबी जिन्होंने लास्ट 3 मैचों में अपने 4-4 ओवर कम्प्लीट किए, आज सिर्फ 1 ओवर किया और 7 रन दिए, फिर उसके बाद ओवर नहीं कराया। उसके बाद करीम जन्नत जो पिछले 3 मैचों में अपने 4-4 ओवर कम्प्लीट कर रहे थे, आज उन्होंने 1 ओवर किया, 1 विकेट भी ली, 7 रन दिए, उसके बाद अपने ओवर नहीं कराए। मेन बॉलर इनका नदीब जो कि अनफिट कहकर उसको बाहर बिठा दिया गया, और उसके बाद सारे न्यू बॉलर जिनका पांच विकेट देखें तो हर ओवर में 10 से ज्यादा रन देने वाले बॉलर थे, उनसे उनके बॉलिंग बॉलर ओवर सारे कंप्लीट कराए गए। तो उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम मैच को शक की नजर से ना देखें। तो अगर शक की नजर से ना देखें तो फिर हम क्या करें? मैं भी पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट पाकिस्तान के शायद ही कोई मैच ऐसा हो जो छोड़ा हो, और दूसरी टीमों के भी देखते हैं मैचेस, लेकिन हमें अभी तक इस मैच को देखने के बाद हमें तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैच फेयर हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। टेक्निकली इसमें ओवर ये थे, इतने रन थे, ये थे, यही चीजें होती है ना, और फिर बाद में ये शक और शुबा ये इससे शकूक पैदा होते हैं, पैदा हो जाते हैं। जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये शकूक और शुबात तो होते रहेंगे जब कोई उनकी फेवरेट टीम हार जाए। जाहिर है कि जो साहब बात कर रहे थे वो पाकिस्तानी हैं, उनको जाहिर है कि ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान जीत जाए। ठीक, तो अब वो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है अफगानिस्तान के हारने पर, तो जाहिर है कि शकूक और शुबात तो होंगे। लेकिन उन्होंने स्टैट्स जबरदस्त बताए कि नबी ने 1 ओवर करवाया, 7 रन दिए, मुजीब को आज नहीं खिलाया गया, मुजीब को आज नहीं खिलाया गया, 4 ओवर की गेम थी। क्या मुजीब इतने अनफिट हो गए पिछले मैच के बाद कि उनको रेस्ट करवाना पड़ा? और नवीन ने 4 ओवर में 59 रन दिए, राशिद की बॉलिंग में वो क्रिस्मा नजर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन उठेंगे ना खमर साहब? देखिए, अगर ऐसा चीज है ना, ये सब आ जाएगी कल परसों, सारी आ जाएगी अगर होगी। जी खमर साहब, अब इनको इनसे कोई पूछे कि इनको क्या पता कि मुजीब की इंजरी क्या है? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट देखने वाले को टेलीविजन पे या ग्राउंड में आकर उसको क्या पता कि मुजीब की इंजरी क्या है? उसकी इंजरी यही है कि उसको मैच में नहीं खिलाया गया, पिछले मैच में नहीं खिलाया गया, बिकॉज ही सीरियसली इंजर्ड, उसको साइड स्ट्रेन है। तो ये सब चीज़ें, ये जो शकूक शुबात है, जब तक ये खेल चलता रहेगा, लोग खेल खेलते रहेंगे, कोई किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, किसी की ख्वाहिश पूरी हुई, तो इस तरह के अब नबी ने 1 ओवर कराया, फलाने 3 ओवर कराया, भाई कप्तान है, उसकी मर्जी है, जो सोच रहा है वो कर रहा है। बात यह है कि ये जो स्पेकुलेशंस होती हैं मैच फिक्सिंग की या इस तरह की, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्कों में चूंकि यहाँ पर लेवल के लॉज जो हैं वो बहुत ही तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो लोग जो चाहे खिलाड़ियों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो चाहे वो किसी ऑफिशियल पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको मैच देखने का एक्सपीरियंस हो तो आपका अंदाज़ा होगा, और तारीख ही बताती है कि जैसे भारत की टीम, जैसे आज मैच आप लोग को शक व शुबात हो रहे हैं कि ये आज से नहीं, ये 1932 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, तो उसका एक्सपीरियंस अफगानिस्तान की टीम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और अफगानिस्तान की टीम, जैसे मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, मैं स्कॉलर को बताना चाहता हूँ, ये यूएई में बड़े शौकीन लोग हैं क्रिकेट देखने वाले खासकर, और इंडिया पाकिस्तान के, कि ये अफगानिस्तान की टीम तीर और तुक्के वाली है, जिस दिन अच्छा खेलेगी किसी टीम को मार देगी, और मोस्टली ये लोग हारते रहते हैं मोस्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो मैच में आपको शक व शुबात हो जाए एक स्पेक्टेटर्स के हैसियत से, तो आप समझे कि ये मैच फिक्स है। मैच फिक्स नहीं था ये मैच, मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मेरा एक्सपीरियंस आप समझ लें, 740 वनडे इंटरनेशनल कवर कर लेगा, मैं आपसे कहता हूँ कि मैच फिक्स नहीं था। आज के मैच को लेकर भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आज के मैच में भी कुछ ना कुछ फिशी था, कुछ ग्रे एरियाज थे, क्रिकेट है कोई सबूत नहीं है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे तूफान उठा हुआ इस हवाले से कि आज के मैच में कुछ गड़बड़ थी, आईपीएल का रोल प्ले कर गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मेरा ये चैनल बात कर रहा है, लेकिन ये एक आम आदमी की राय है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आम आदमी जो सोशल मीडिया पे है वो ये बात कर रहा है कि शायद आईपीएल कार्ड जो यहां पर खेला गया, इसमें कोई
कोई ऑथेंटिसिटी तो इस बात करेंगे, एक आम आदमी की बात आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। ऐसा होता है कि मतलब किसी आईपीएल कार्ड खेला जाए, ब्रेथ वेट के साथ भी हुआ था, अभी स्टोक के साथ भी हुआ कि जिनका कंटेंट बड़ा अच्छा हो गया था और जब उन्होंने इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आई थी। नहीं, अभी आपने इससे पहले आईपीएल कार्ड वाले गेम से पहले आपने तीन लोगों को बताया जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, तीन क्रिकेटर थे जो पकड़े गए थे, तो वो तो आईसीसी नहीं कहते कि आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ है, एक बात है ना। तो आईपीएल कार्ड कैसे हो सकता है, असल में लोग क्रिकेट देख के भूल जाते हैं, मैच का खत्म हो गया। ये तो सुनेंगे यार, जो बंदा टॉस जीता है उसने टॉस के वक्त कहा कि हम इसलिए पहले बॉलिंग कर रहे हैं, हमें ड्यू पड़ेगी हम चेज कर लेंगे, मगर जब वो मैच हार गया तो उसके बाद बोल रहा है कि हम तो समझ रहे थे कि ओस पड़ेगी, तो वो ओस पड़ी नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि यादव नबी ने कुछ घोटाला किया है भाई, इसमें आईपीएल कार्ड कहां से आ गया? घोटाला किया क्योंकि अभी जैसे मैं हसन से भी बात करता हूं, आप लोग दोनों बेहतर बताएंगे, ये सबको पता है स्पिनर अच्छा खेलते हैं इंडियन, फिर यहां पे स्पिनर के साथ आगाज किया, फिर टॉस जीतने के बाद पहले सबको पता है कि चेसिंग पे जो है वो थोड़ी जो है वो हो जाती है, तो इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया, सबको मालूम था कि उनको 62-63 रन से जीतना है, वो 64 रन से जीते, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे कैसा एक तूफान उठा हुआ है कि जी शायद इसमें आईपीएल कार्ड खेला गया। यार पिछले दो मैच इंडिया पहले बैटिंग करके ही हारा है, इजीली चेस कर लिए दोनों टीमों ने, पाकिस्तान ने 10 विकेटों पे किए और इधर जो है वो ठीक है 8 विकेटों से उन्होंने मैच जीत लिया था न्यूजीलैंड ने, तो इजी कन्विंसिंग विक्ट्री थी सेकंड बैटिंग कर, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उन्होंने भी वही चांस लिया कि इनको पहले खिला के जल्दी आउट करें। हाँ, थोड़ी सी गलतियाँ जरूर हो सकती हैं कि उन्होंने उस चीज़ को रीड नहीं किया हो कि शायद अगर वो बाद में स्पिनर्स को लेकर आते, फास्ट बॉलर से चांस लेते, एक आध विकेट ले लेते, उसके बाद अपने स्पिनर्स को वो लेकर आते, तो ये सारी चीज़ें होती, प्लानिंग का फुकदान कह सकते हैं आप, लेकिन इसके अंदर मुझे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं नजर आती कि यार मुझे बताओ ना कि ऐसी क्या बॉलिंग की उन्होंने कि जिसपे आप कह रहे हो कि उन्होंने छक्के मार दिए, उन्होंने नॉर्मल बॉलिंग जो होती है वही बॉलिंग हो रही थी, उन्होंने आज अश्विन को खिलाया, अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, मतलब जो क्रेडिट एज ए क्रिकेटर देना चाहिए आपको देना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो लोगों के दिमागों में एक ही चीज चलती है ना कि अगर कोई टीम जीत जाए या हार जाए तो फिक्सिंग की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होता। कोहली की टीम पे इल्जाम लगाना ज्यादा आसान है क्योंकि वैसे ही दबे हुए हैं वो, लेकिन इल्जाम लगाना लेकिन उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए ऐसे किसी की आप इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी एथिक्स होते हैं, आप ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, कोई भी टीम हो, चाहे हमारी टीम हो या कोई भी टीम हो, आप अगर लगा देते हैं आपके पास प्रूफ नहीं है, आपको तो कोई, हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना कि अगर मैं किसी पे तुम पे इल्जाम लगा दूं कि तुमने ये किया है, तो मुझे जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, लिख भी रहा है, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट लिखना भी नहीं आता, क्रिकेट पे बोल रहे हैं मतलब क्या कहेगा, क्योंकि वो टॉस के ऊपर भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है कि भाई उसको कह दिया कोहली को भी तुम जो है वो पहले टॉस जीते बैटिंग कर लेना, सब ये सब आप सबने पढ़ी होगी, वही चीज है कि आजकल के दौर में मॉडर्न क्रिकेट में जो है थोड़ी सी क्लब क्रिकेट जिसने अगर खेली होगी तो वो इतने सारे स्टैट्स निकालते थे किसी भी प्लेयर के, वो अंगिनत हो जाते हैं, मगर जो इस फील्ड में है क्रिकेट खेल रहा है, ऑन द फील्ड खेल रहा है, उसको ज्यादा सिचुएशन का पता होता है किस तरह की सिचुएशन है, मगर सिचुएशन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो है टॉस विराट कोहली जीत रहे थे, अब जो टॉस जीते हैं तो जिसकी वजह से कोशिश कर रहे थे कि कम से कम रन हो जाए, अफगानिस्तान के कैप्टन, उनको ये नहीं पता था कि शायद ये 200 का पहाड़ जो है वो इतने लंबे नजर आएंगे, एक्सपेक्टेशन ये थी कि 170 भी हो जाए अगर तो वो गेम में वापस आ सकते हैं, जिस तरह से नबी बैटिंग कर रहे होते हैं नीचे और शहजाद जैसे बैट्समैन उनके पास, वो स्ट्राइक रेट भी कर रहे थे, मगर शमी ने जो है प्रॉमिसिंग बॉलिंग की, आज उनकी बॉल में स्विंग नजर आई, जजई को जो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग की बीट करके वहां से जो आने वाले बैट्समैन थे थोड़े से वो डिफेंसिव नजर आए।